नमस्कार दोस्तों, रोहित स्टडीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भूगोल का नवा पाठ लाया हूँ। दोस्तों, मैं इसे 1000 प्रश्न का सीरीज शुरू किया हूँ और प्रत्येक वीडियो में 40-40 प्रश्न करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और दोस्तों, आप इन सब प्रश्नों को अवश्य सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि जो SSC CGL UPSC NTPC रेलवे लोको पायलट RRB और यहाँ तक कि UPSC के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को मैं छाट कर आपके सामने ला रहा हूँ, तो कृपया आप इसे अवश्य सीरियसली लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न एक, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? उत्तर, यूरोप। आप ध्यान देंगे, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। प्रश्न दो, अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में है? उत्तर, सूडान में। आप ध्यान देंगे, अलगेजीरा रेगिस्तान सूडान में है। प्रश्न तीन, पेंटागोनिया मरुभूमि किस देश में है? उत्तर, अर्जेंटीना में। आप ध्यान देंगे, पेंटागोनिया मरुभूमि अर्जेंटीना देश में है। प्रश्न चार, रूब अल खाली क्या है? उत्तर, सऊदी अरब का एक मरुस्थल। आप ध्यान देंगे, रूब अल खाली सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। प्रश्न पांच, अल्जीरिया किस मरुस्थल में स्थित है? उत्तर, सहारा में। आप ध्यान देंगे, अल्जीरिया सहारा मरुस्थल में स्थित है। प्रश्न छह, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक कौन है? उत्तर, वेगरर। आप ध्यान देंगे, प्रायद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक वेगरर हैं। प्रश्न सात, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? उत्तर, हिंद महासागर। आप ध्यान देंगे, विश्व का सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर है। प्रश्न आठ, प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस दिशा में है? उत्तर, पश्चिम दिशा में। आप ध्यान देंगे, प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग पश्चिम दिशा में है। प्रश्न नौ, विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर, अटलांटिक महासागर। आप ध्यान देंगे, विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। प्रश्न 10, अग्निवलय की उपस्थिति कौन से महासागर में पाई जाती है? उत्तर, प्रशांत महासागर में। आप ध्यान देंगे, अग्निवलय की उपस्थिति प्रशांत महासागर में पाई जाती है। प्रश्न 11, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? उत्तर, टिथिस सागर। आप ध्यान देंगे, वर्तमान भूमध्य सागर को टिथिस महासागर प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। प्रश्न 12, कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है? उत्तर, हिंद महासागर। आप ध्यान देंगे, हिंद महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है। प्रश्न 13, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तर, प्रशांत महासागर। आप ध्यान देंगे, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। प्रश्न 14, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तर, अमेजन नदी। आप ध्यान देंगे, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। प्रश्न 15, विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? उत्तर, डी हिटलसी ने। आप ध्यान देंगे, विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण डी हिटलसी ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न 16, विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? उत्तर, 11%। आप ध्यान देंगे, विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का 11% भाग कृषि कार्यों में लगा है। प्रश्न 17, डूबर की जल संधि किसे जोड़ती है?
उत्तर इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। आप ध्यान देंगे, डूबर की जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। प्रश्न 18, मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? उत्तर अमेरिका में। आप ध्यान देंगे, मक्का की पेटी अमेरिका में पाई जाती है। प्रश्न 19, सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? उत्तर मध्य अमेरिका में। आप ध्यान देंगे, सर्वप्रथम मक्का की खेती मध्य अमेरिका में की गई। प्रश्न 20, किस महाद्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? उत्तर हवाई द्वीप में। आप ध्यान देंगे, हवाई द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है। प्रश्न 21, चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? उत्तर मानसूनी। आप ध्यान देंगे, चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु मानसूनी है। प्रश्न 22, विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर थाईलैंड। आप ध्यान देंगे, विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड है। प्रश्न 23, स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ? उत्तर थाईलैंड से। आप ध्यान देंगे, स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ थाईलैंड से हुआ है। प्रश्न 24, विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ है? उत्तर दक्षिण पूर्वी एशिया में। आप ध्यान देंगे, विश्व में बागानी कृषि का विकास दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ है। प्रश्न 25, भारतीय कपास किस किस्म की होती है? उत्तर छोटे रेशे वाले। आप ध्यान देंगे, भारतीय कपास छोटे रेशे वाली किस्म की होती है। प्रश्न 26, विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? उत्तर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। आप ध्यान देंगे, विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान है। प्रश्न 27, विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? उत्तर अधिक वर्षा के कारण। आप ध्यान देंगे, विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती अधिक वर्षा के कारण नहीं की जाती है। प्रश्न 28, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? उत्तर प्राथमिक। आप ध्यान देंगे, कृषि प्राथमिक प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है। प्रश्न 29, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? उत्तर नाइजीरिया। आप ध्यान देंगे, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। प्रश्न 30, पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। आप ध्यान देंगे, पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रश्न 31, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? उत्तर 55%। आप ध्यान देंगे, एशिया महाद्वीप में विश्व के कुल 55% जनसंख्या निवास करती है। प्रश्न 32, विश्व की जनसंख्या 7 अरब कब हुई? उत्तर अक्टूबर 2011 में। आप ध्यान देंगे, अक्टूबर 2011 में विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब हो गई थी। प्रश्न 33, सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। आप ध्यान देंगे, सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में पाई जाती है। प्रश्न 34, सबसे घना आबादी सार्क देश कौन सा है? उत्तर बांग्लादेश। आप ध्यान देंगे, सबसे घना आबादी वाला सार्क देश बांग्लादेश है। प्रश्न 35, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? उत्तर एशिया। आप ध्यान देंगे,
विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। प्रश्न 36, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर, डाल्टन ने। आप ध्यान देंगे, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। प्रश्न 37, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को मिला है? उत्तर, स्वीडन को। आप ध्यान देंगे, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय स्वीडन देश को मिला है। प्रश्न 38, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? उत्तर, UNDP द्वारा। आप ध्यान देंगे, मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न 39, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 11 जुलाई को। आप ध्यान देंगे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न 40, स्वेज नहर कहाँ है? उत्तर, मिस्र में। आप ध्यान देंगे, स्वेज नहर मिस्र देश में है। तो दोस्तों, ये नवा पाठ पूरा होता है। इसके बाद मैं 10वां पाठ का वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।